कैनेडियन डाइट प्लान के डे 24 में हमने देखा, अर्ली मॉर्निंग में ल्यूकवार्म वाटर, ब्रेकफास्ट में वेजिटेरियंस के लिए अलीव न्यूट्री पराठा के साथ हंकर डिप, नॉन वेजिटेरियंस के लिए अलीव न्यूट्री पराठा के साथ बॉइल्ड एग स्टफिंग, मॉर्निंग मिड मील में एप्रिकॉट, लंच में वेजिटेरियंस के लिए पनीर रैप के साथ टमाटो चटनी और नॉन वेजिटेरियंस के लिए चिकन रैप के साथ हंकर ड्रेसिंग, इवनिंग मिड मील में होल व्हीट क्रैकर के साथ साल्सा सॉस, डिनर में वेजिटेरियंस के लिए शेजवान ब्राउन राइस विद सोया सीड्स, नॉन वेजिटेरियंस के लिए विद शेजवान ब्राउन राइस। कल के एपिसोड में हमने पूछा था एक सवाल, और सवाल था क्या है बॉडी स्ट्रक्चर का सच, इसके लिए जेनेटिक्स जिम्मेदार है या लाइफस्टाइल? वेरी बिग सलाम टू ऑल माई व्यूअर्स, और आज तहे दिल से मैं कहना चाहूंगी कि वेलकम टू आवर शो जिसका नाम है 100 डेज डाइट प्लान। आज मैं बहुत 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 खुश हूँ, आज हमारा डे 25 है हमारे डाइट प्लान का, आई मीन इट्स सिल्वर जुबली। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल यू गाइज जो लोग हमारा ये डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं। आई मीन एक नहीं दो नहीं 25 दिन कब खत्म हो गए पता ही नहीं चला। 25 दिनों का डाइट प्लान हम आपको दे चुके हैं, आई एम 100% श्योर जो लोग इसे तहे दिल से फॉलो कर रहे हैं उन्हें रिजल्ट्स भी मिल रहे होंगे। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू ऑल जो लोग फॉलो कर रहे हैं, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू अस टू। सो इसी के साथ में आज वाकई में बहुत बेहतरीन दिन है। बेहतरीन दिन की अगर शुरुआत है तो किसी खास से होनी चाहिए। कहते हैं कि जब भी कोई सेलिब्रेशन की बात आती है तो हम एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट की बात करते हैं। जहाँ एंटरटेनमेंट की बात होती है वहाँ पर सेलिब्रिटीज़ का सेलिब्रेशन होता है। सेलिब्रिटीज़ की बात आई है तो एज वी ऑल नो हमारे पास में एक सेलिब्रिटीज़ के बीच जो फेमस न्यूट्रिशनिस्ट है वो मौजूद है, एंड शी इज़ नन अदर देन अंजुम शेख। अंजुम जी कॉन्ग्रेचुलेशन, और आप मुझे भी कर सकते हैं, तुम्हें भी। आज हमने 25 दिन पूरे किए, आई मीन 25 दिनों का डाइट प्लान हम हमारे व्यूअर्स को दे चुके हैं, एंड इट्स रियली अ बिग डे फॉर ऑल ऑफ अस। सो इसी के साथ में हम शुरुआत करते हैं आज के दिन की, यानी कि हमारे ब्रेकफास्ट की। सो 25th डे का डाइट प्लान इन 100 डेज डाइट प्लान में शुरू करेंगे ब्रेकफास्ट के साथ। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूंगी कि 100 डेज डाइट प्लान अपने आप में अब तक के हिस्ट्री में पहला ऐसा शो है जो 100 दिनों का डाइट प्लान आप सभी के लिए लेके आया है, जिसमें सिर्फ ये नहीं बताया जाता है कि क्या खाना चाहिए बट क्यों खाना चाहिए, और उसी के साथ साथ कुछ एड ऑन टिप्स जिसे हम कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं वो भी दिए जाते हैं। सो इट्स रियली वन ऑफ इट्स काइंड शो, एंड थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग अस सो मच, क्योंकि हमें बार बार आप लोगों से कॉल्स आते हैं, सवाल के जवाब हम दे पाते हैं, और हमारे जहन में यही था कि हम आपको कुछ नहीं बट द बेस्ट दे सके। सो थैंक यू सो मच। सो नाउ द टाइम हैज कम फॉर व्हाट, ब्रेकफास्ट फॉर 25th डे डाइट प्लान। तो ब्रेकफास्ट में हम लोग स्टार्ट करते हैं आज पैनकेक से। यूजुअली लोग मैदे के साथ पैनकेक बनाते हैं, लेकिन आज हमारी खास बात यह है कि हम रागी के साथ बना रहे हैं। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप अंडा अवॉइड कर सकते हैं, उसमें फिर आपको थोड़ा आटा ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, रागी का प्रोपोर्शन कंपैरेटिवली कम रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अंडा डाल रहे हो तो उसकी कंसिस्टेंसी ऑब्वियसली अच्छी हो जाएगी। तो नॉन वेजिटेरियन के लिए अंडे के साथ, वेजिटेरियंस के लिए बिना अंडे के लिए। रागी स्पेसिफिकली इसलिए, आप आटे का भी बना सकते हो, लेकिन रागी का एक फ़ायदा हो जाएगा, उसका एक अलग सा टेस्ट आता है। तो आपका मोनोटोनी तो ब्रेक हो ही रहा है, और रागी तो कैल्शियम में अच्छा है ही। तो अगर आप अच्छा पैनकेक करते हो जिसमें अंडा है, दूध है, रागी है, तो आपकी हड्डियों के लिए तो और भी अच्छा है। कैल्शियम मिल गया रागी से, दूध से, और अंडे से तो आपको प्रोटीन मिल गया। आई रियली वांट टू आस्क यू समथिंग अंजुम, पैनकेक्स की आपने जब बात की वेजिटेरियंस के लिए, तो आपने कहा कि आटा एंड दूध का कॉम्बिनेशन हम पैनकेक में यूज कर सकते हैं, बट कैन वी ऐड सम टॉपिंग्स, आई मीन सोने पे सुहागा। टॉपिंग्स डाल सकते हो आप, ड्राई फ्रूट्स, कैश्यू नट्स डाल सकते हो ऊपर से। एक्चुअली जब मैं बनाती हूँ तो मैं उस पर थोड़ा सा हनी डाल देती हूँ। दैट्स अमेजिंग। सो हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स या थोड़ा सा हनी या खजूर के टुकड़े, ऐसा कुछ या स्ट्रॉबेरीज, है ना, मतलब एनीथिंग व्हिच कैन ऐड अ फ्लेवर टू इट एट द सेम टाइम हेल्दी फॉर इट, राइट। Now the time has come for the mid-meal time. Mid-meal के लिए मैं आपको दे रही हूँ आज buttermilk छास। आप उसको नमकीन ले सकते हो, आप उसमें शक्कर डाल सकते हो, आपको हनी के साथ buttermilk चाहिए वो ले सकते हो। पेट को ठंडा रखता है, अगर आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो भी आपके लिए अच्छा है। वो उसमें प्रीबायोटिक होता है कर्ड में, तो आप अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से एक ग्लास buttermilk ले सकते हो। That's absolutely fine.
बट अंजुम जी, मैं एक बात पूछना चाहूंगी कि कई लोग ना छाछ की बात जहां आती है, बटर मिल्क एज इन छाछ, तो छाछ में बहुत मसालेदार छाछ पीना पसंद करते हैं, तो क्या ज्यादा जीरा डालना या नमक या चाट मसाला डालना इज इट ओके, और प्लेन बटर मिल्क? सी, प्लेन बटर मिल्क इन केस आपको हाइपरटेंशन है यानी बीपी की अगर आपको शिकायत है तो आप, या डायबिटीज़ की शिकायत है तो आप प्लेन लीजिए, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप थोड़ा चटपटा बना सकते हो. So for the persons who have some hypertension problem or diabetic problem, in that case you should not add बहुत सारा मसाला और सम जायका टू इट. आप लोग प्लेन बटर मिल्क पीजिए, लेकिन अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है ले लीजिए थोड़ा सा चस्का. तो आइए चलिए देखते हैं कि आज लंच में हमारे लिए क्या है. आज आपके लिए लंच में है फुलके गर्मा गर्म, और उसके साथ वेजिटेरियंस के लिए है सोया नगेट्स विद कैप्सिकम बीन्स एंड कैरेट्स. सोयाबीन के नगेट्स जिसको आप सोया वड़ी भी कह सकते हैं, हाँ. आप ये ले सकते हैं, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन तो सोया को रिप्लेस कर दीजिए चिकन के साथ. ओह दैट्स नाइस, इट्स सो क्यूट ना कि हम लोग अगर एक ही परिवार में वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों लोग रहते हैं तो हमें पकवान एक ही बनाना है, बस उसके इंग्रेडिएंट्स एक एक जगह चेंज कर देने हैं. सो ज़्यादा हमें मेहनत भी नहीं लगेगी और दोनों के लिए अलग अलग जायकेदार खाना भी बन जाएगा एंड हेल्दी खाना बन जाएगा. तो इसी के साथ देखते हैं कि डे 25 डाइट प्लान में, सिल्वर जुबली डाइट प्लान में हमारे पास में इवनिंग मिड मील में क्या है. आप तो अभी मुझे जान ही चुके होंगे कि मैं आपको क्या देने वाली हूँ. आज पूरे दिन हम लोग ने फ्रूट्स नहीं खाया, तो ये आपका टाइम होता है पपाया के लिए. पपाया में है विटामिन सी, विटामिन ए, ढेर सारा फाइबर, और आपका पेट भरता है. जो कई लोग जो डाइट पे होते हैं वो लोग शिकायत करते हैं कि हमारा पेट नहीं भरता, हमारा पेट नहीं भरता, हम डाइट पे हैं. पपीता आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा. ये कितनी फायदे भरी बात है कि 25 दिनों में, 25 डाइट प्लान्स में हमने कितना कुछ सीखा है. हमें पता चला कि विटामिन्स कौन से फ्रूट्स में ज़्यादा है, मिनरल्स कौन से खाने में हमें मिल सकते हैं, फाइबर किस में ज़्यादा है, क्या कंटेंट्स हमारे बॉडी के लिए अच्छे होते हैं और क्या कंटेंट्स नहीं. हमने बहुत कुछ सीखा है, राइट. हमने ये भी सीखा था कि प्रोटीन शेक लेना चाहिए, लेकिन किसी जिम इंस्ट्रक्टर को पूछकर, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी का प्रोटीन ले रहे हैं तो, और अगर कम भी ले रहे हैं तो किसने लेना चाहिए और किसने नहीं नहीं जानते. सो विद दिस, नाउ द टाइम हैज कम फॉर व्हाट? डिनर. यस, द टाइम हैज कम फॉर डिनर. तो आइए पूछते हैं अंजुम जी से कि आज डिनर में हमारे पास क्या है. डिनर में आज मैं लाइट रखना चाह रही हूँ. ओट्स तो आप सबको पता है, हर किसी को ओट्स पसंद नहीं आता, लेकिन जो मैं डिनर का ऑप्शन दे रही हूँ आप बहुत अच्छे तरह से बना सकते हो. नमकीन ओट्स का दलिया विथ वेजिटेबल्स इनसाइड, ठीक है. उसमें हल्दी मसाला जैसा चाहिए आप वैसे बनाइए. हाँ, लेकिन जैसे हम लोग पहले बात कर चुके हैं, अगर आप हाइपरटेंसिव हो, आपको हाई ब्लड प्रेशर है, तो नमक की मात्रा थोड़ा कम रखेगा. अदरवाइज ओट्स का दलिया विद वेजिटेबल्स और उसके साथ पनीर टिक्के. दैट्स नाइस. और नॉन वेजिटेरियंस के लिए सेम, ओट्स दलिया विद वेजिटेबल्स लेकिन उसके साथ चिकन टिक्के. अच्छा अंजुम जी, मैंने एक बात सुनी है, क्या ये सच है? एक्चुअली थोड़ी गॉसिप वाली बात है, लेकिन मैं मेरे सारे स्पेशली जितनी लेडीज़ व्यूअर है ना, जो थोड़ी बॉलीवुड गॉसिप्स में इंटरेस्ट रखती है, मैं उनके लिए पूछना चाहूँगी. मैंने सुना है कि सेलिब्रिटीज़ जनरली प्रेफर करते हैं अपने मील्स में, कोई भी एक मील में ओट्स खाना, क्या सही है? ये एक्चुअली सही है. ओट्स बहुत अच्छा होता है एक्चुअली, सिर्फ फाइबर ही नहीं, सब मतलब इतना हाइप हो चुका है, लेकिन ये एक्चुअली हकदार है. ये न्यूट्रिएंट एक्चुअली इतना अच्छा है, वाकई ओट्स में फाइबर है, सॉल्युबल फाइबर है, डायबिटीज़ के लिए अच्छा है, ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा है, वेट लॉस के लिए अच्छा है. दैट्स गुड. तो ऐसे सेलिब्रिटीज़ की जो डाइट प्लान की टिप्स होती है वो अगर हमें जाननी है, अंजुम जी है ना काफ़ी मशहूर है एज वी ऑल नो, तो हमें अंजुम जी हमेशा बताएगी. और इसी के साथ में अगर आपके जहन में कोई और भी सवाल हो, अगर आप वो भी पूछना चाहे, तो फॉर दिस यू हैव टू जस्ट कॉल ऑन दिस नंबर, और एल्स यू कैन ऑल्सो रिकॉर्ड दिस वीडियो इन योर टेलीविजन सेटअप बॉक्स. नहीं कर पाए देन यू कॉल ऑन दिस नंबर. लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू आवर झटपट रीकैप. आप 100 डेज डाइट प्लान के डे 25 में अंजुम ने बताया ब्रेकफास्ट में वेजिटेरियंस के लिए रागी पैनकेक, नॉन वेजिटेरियंस के लिए रागी एग पैनकेक, मॉर्निंग मिड मील में एक ग्लास बटर मिल्क, लंच में वेजिटेरियंस के लिए फुलके सोयाबीन नगेट्स विद कैप्सिकम बीन्स एंड कैरेट्स, और नॉन वेजिटेरियंस के लिए फुलके चिकन विद कैप्सिकम बीन्स एंड कैरेट्स, इवनिंग मिड मील में पपाया, डिनर में वेजिटेरियंस के लिए नमकीन ओट्स दलिया विद वेजिटेबल और साथ में पनीर टिक्का, नॉन वेजिटेरियंस के लिए ओट्स दलिया विद वेजिटेबल्स और साथ में चिकन टिक्का. अब रहा जवाब डे 24 के सवाल का, क्या है बॉडी स्ट्रक्चर का सच?
इसके लिए जेनेटिक्स जिम्मेदार है या लाइफस्टाइल? आई रियली वांट टू नो दिस आंसर कि एग्जैक्टली ये जेनेटिक इशू है या कोई फूड हैबिट या फूड इंग्रेडिएंट की वजह से कोई स्पेसिफिक बॉडी में ऐसा कोई उतार चढ़ाव आ सकता है? जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये डिसाइड करने में कि आप कैसे रहोगे, आपका बॉडी टाइप कैसा रहेगा, आप मस्कुलर रहोगे, आप लंबे होगे, आप चौड़े होगे, आप में टेंडेंसी होगी ज़्यादा फैट पर यू नो परसेंटेज होने की. लेकिन हर चीज़ जेनेटिक पे यू नो ब्लेम करना वो सही बात नहीं है, क्योंकि अगर आपको लगता है इनफैक्ट मुझे भी टेंडेंसी है फैट पुट ऑन करने की जेनेटिकली, ठीक है, लेकिन तो भी इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी खाऊं और मैं जेनेटिक्स पे यू नो ब्लेम पुट कर दूं. अगर मैं ठीक से खाना खा रही हूँ, मैं हेल्दी खा रही हूँ, अगर मुझे पता है कि मेरी टेंडेंसी है पुट ऑन करने की, तो मुझे हेल्दी खाना चाहिए और कोशिश करना चाहिए. हाँ, दूसरे लोगों से मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. तो आप इवन तो आपका जेनेटिक यू नो प्रीडिस्पोजिशन है फैट पुट ऑन करने का या लीन होने का, आप एक न्यूट्रिशनिस्ट को मिलकर अपना डाइट प्लान और अपना ईटिंग हैबिट्स ऐसे कर सकते हैं जिससे आप अपना यू नो एडिक्वेट लाइफस्टाइल और एडिक्वेट हेल्थ अटेन कर सकते हैं. एग्जैक्टली. तो इस सवाल का जवाब मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा क्लियर है, वो ये कि जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकता है, एट द सेम टाइम फूड हैबिट्स भी इसे सपोर्ट करती है कि हम दुबले हैं या हम मोटे हैं. और सबसे पते की बात पता है अंजुम जी ने क्या कही, कि अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो आप न्यूट्रिशनिस्ट से तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए. और कॉन्टैक्ट करने के लिए कहाँ कॉल करना है आपको? यू हैव टू कॉल ऑन दिस नंबर बिकॉज वी हैव नॉट वन नॉट टू, वी हैव सो मेनी न्यूट्रिशनिस्ट इंक्लूडिंग अंजुम जी विद अस, जो आपको आपके हर तरीके के डाइट प्लान दे सकती है, आपके बॉडी टाइप को लेकर, आपके एलर्जीज को लेकर, फूड को लेकर, आपके टेस्ट बर्ड्स को लेकर भी. सो ये था हमारा डे 25 का डाइट प्लान एंड 100 डेज डाइट प्लान, जिसे मैं कहती हूँ सिल्वर जुबली. एंड थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग अस. थैंक यू सो मच. आप लोगों के इतने सारे पॉजिटिव कमेंट्स हमें मिलते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, और हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उन्हें इंस्पिरेशन मिलता है कि आप लोगों के लिए और बेहतर लेके आए और अच्छा लेके आए. सो इसी के साथ में नाउ द टाइम हैज कम फॉर वन मोर क्वेश्चन. तो ये रहा डे 25 का सवाल. कुछ लोग डिटॉक्सिफिकेशन को अच्छा मानते हैं क्योंकि इससे टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि डिटॉक्सिफिकेशन से सिर्फ अनचाहे नहीं बल्कि आवश्यक पदार्थ भी शरीर से निकल जाते हैं. तो क्या डिटॉक्स डाइट से होती है टॉक्सिन्स की सफाई या न्यूट्रिशन का सफाया? सिंपल सवाल सिंपल जवाब. लकी विनर को मिलेगा सरप्राइज डाइट किट. अपना जवाब भेजें इस पते पर 100daysdietplan@gmail.com. So guys, thank you so much for following us because आज मैं वाकई में बहुत खुश हूँ and I hope आप लोग भी बहुत खुश होंगे because आज हमने 25 दिन पूरे कर लिए and I'm sure जो लोगों ने हमें 25 दिनों से follow किया है वो लोग इस बात से खुश तो होंगे ही कि आज सिल्वर जुबली है, but इस बात से भी होना आप लोग खुश क्योंकि आप लोगों को compliments मिल रहे हैं. So then, ये हुआ हमारा day 25 diet plan and now the time has come to invite with open arms day 26 ka diet plan, but that is tomorrow. Till then you have to stay tuned and you know what, eat whatever you want to eat and yes, be healthy. Bye bye.